हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप सबका शुक्रिया कि आप लोग यहां पर आए। वैसे मुझे अपनी तारीफ करने की आदत नहीं है, पर आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अपने जमाने में कई हिट फिल्में दी हैं और एक सुपरस्टार भी रहा हूं। और आज मुझे गर्व होता है अनाउंस करते हुए कि मैं अपनी पहली फिल्म एज ए प्रोड्यूसर स्टाइल मारो स्टाइल से लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसका निर्देशन देंगे मेरे काबिल दोस्त संचित जी, और जिसमें स्टाइल से मैं अपने दोनों बेटे अभिषेक और विक्की को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन दोनों को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने मुझे दिया है। अब मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहता हूं कल के सुपरस्टार्स विक्की और अभिषेक को। अभिषेक, विक्की कहाँ है? सर यही होंगे, मैं देखता हूँ। यही होगा, तुम्हें कहा था ना आज कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कहा था? विक्की कहाँ? विक्की पता नहीं रहा, अभी तक तो यही था। अरे मुझे नहीं पता, मैं इतने देर से मीडिया के सामने भाग भाग कर रहा हूँ, तो यहाँ खड़े मत हो, जाओ ढूंढो उसे। गो। डैड रिलैक्स। डोंट टेल मी टू रिलैक्स, जाओ। गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ये लगता है कि विक्की और अभिषेक को इंट्रोड्यूस करने से पहले इस फिल्म के बारे में दो शब्द अगर इस फिल्म के डायरेक्टर संचित जी कहें तो। मिस्टर संचित, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए आप शांत रहने की कोशिश कीजिए। अरे विक्की भैया कहाँ हो आप, फोन उठाओ यार। कहाँ हो विक्की भैया, आज ना जरूर डांट खाओगे पापा से। एक घंटी की आवाज तो यहाँ से आ रही है, तो भैया की रिंगटोन है, लेकिन भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये रिंगटोन तो बढ़ती ही जा रही है। विक्की भैया, देसी कट्टा है। मिस्टर अभिषेक, सबसे पहले लाश आपने देखी? जी हाँ सर। कब और कैसे? मैं विक्की भैया को ढूंढने कॉरिडोर में आ रहा था और उस वक्त कॉरिडोर में आपने किसी और को भी देखा था? जी नहीं सर, जब मैं यहाँ आया तो विक्की भैया का खून हो चुका था। खून? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इनका खून किया गया है? हो सकता है इन्होंने आत्महत्या की हो। ये कट्टा इनके हाथ में ही था। नहीं कर सकते सर। सर मैं विक्की भैया को बहुत अच्छे से जानता था, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। नहीं, आत्महत्या तो नहीं है, ये खून है। अगर आदमी आत्महत्या करेगा तो वो कनपट्टी पे गोली चलाएगा, या ज्यादा से ज्यादा इस एरिया में इसकी छाती पे गोली लगी है। यहाँ ऐसे अपने आप को गोली मारना मुश्किल है, ये खून है। बहुत अच्छे। अरे यार अभिजीत, मेरा काम अगर तुम लोग करने लगोगे तो मुझे तो छुट्टी लेकर के आश्रम जाना पड़ेगा ना। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जो सामने दिख रहा था वही अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। अब आप आ गए, आप संभालो। ये खून है या आत्महत्या? हाँ, लेकिन उससे पहले इन लोगों को जरा एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग थोड़ा जरा प्लीज आइए। प्लीज मैम प्लीज। Thank you.
मिस्टर मुकुल, विक्की की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, उसकी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। क्या बात है, कोई परेशानी थी उसको, किसी बात की कोई तकलीफ हो? सब देखो अभिषेक, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो प्लीज छुपाने से कोई फायदा नहीं है। शायद इसकी वजह ड्रग्स हो सकते हैं। ड्रग्स? विक्की को ड्रग्स की आदत लगी थी? जी डैड। हे भगवान, मेरा बेटा और ड्रग्स। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? पापा, अभिषेक, अगर तुमको मालूम था तो तुम्हें अपने भाई को रोकना चाहिए था, कम से कम अपने माता पिता को बताना चाहिए था। मैंने विक्की भैया को रोका था, मैंने उनसे बात भी की थी। उन्होंने मुझे कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं इस आदत का अधीन नहीं हूँ, बस ड्रग्स के नशे का अनुभव करना चाहता हूँ, यूफोरिया। ड्रग्स के नशे का अनुभव? जी सर, और विक्की भैया ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी जिंदगी में भी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएंगे। सर, सालुम के सर ने अपनी जांच पूरी कर ली है, अंदर बुला रहे हैं आपको। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला? हाँ अभिजीत, तुम्हारा अंदाजा एकदम सही था। इस विक्की की हत्या की गई है और बाद में इसे आत्महत्या का रूप दे दिया गया। मतलब खूनी ने पहले इसे गोली मारी, फिर अपना ये देशी कट्टा इसके हाथ में थमा दिया। बिल्कुल। और कुछ पता चला? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली, आप बताता हूँ। ये देखो, जहाँ इसे गोली लगी है उस घाव के आसपास की चमड़ी जरा भी नहीं जली है। सर, इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जब आदमी खुद को गोली मारता है तो बहुत नजदीक से गोली मारता है, इसलिए उसकी चमड़ी जल जाती है गोली की गर्मी की वजह से। मतलब गोली दूर से चली है। बिल्कुल। कितनी दूर से चली होगी डॉक्टर साहब? अभिजीत, मेरे ख्याल से गोली लगभग 10 फीट की दूरी से चली होगी, और गोली एकदम सीधी चली है सामने से। 10 फीट से? मतलब खूनी यहीं कहीं छुप के इसका इंतजार कर रहा होगा, और जैसे ही विक्की आया गोली मार दी। मुझे इसके हाउस में मिलो अभी। किससे बात कर रहा है? अभिषेक, अभिषेक, तुम क्या कह रहे थे फोन पे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या सच में विक्की का खून? हाँ, विक्की भैया का खून हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विक्की का? बस करो यार ये ड्रामा करना। मैंने तुम्हें उसी कॉरिडोर से निकलते हुए देखा था जिसमें विक्की भैया की लाश मिली है। तुमने देखा था? हाँ देखा था। बोलो, तुमने किया ना विक्की भैया का खून? तुमने किया ना विक्की भैया का खून? तुम पागल हो गए अभिषेक? मैं क्यों मारने लगी विक्की को? हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुम विक्की भैया से प्यार करती थी, विक्की भैया नहीं। वो तो क्या ये सच कह रहा? आप लोग कौन है? आप लोग यहाँ? मिस्टर अभिषेक, आप ही बता दीजिए हम लोग कौन है। ये लोग सीआईडी से। सीआईडी? सही है, झूठ बोल रहा है, ये मुझे फंसाना चाहता है। अभिषेक, तुम्हें क्यों फंसाना चाहता है? क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है और मैं सिर्फ विक्की से। नहीं सर। अच्छा अच्छा, तो ये चक्कर है, लव ट्रायंगल। लेकिन ये बात सच है कि आप कॉरिडोर में विक्की से मिली थी? ये सच। क्यों, किस लिए? पिछले 5 सालों से मेरा और विक्की का अफेयर चल रहा था, पर कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि उसका किसी दूसरी लड़की से भी अफेयर चल रहा है। सर, उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था, मुझसे मिलना बंद कर दिया था। मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है उससे मिलने का और उसे मारने का, देसी कट्टे से। नहीं नहीं सर, मैं विक्की को क्यों मारूंगी? मैं तो उसे पागलों की तरह प्यार करती थी, पर वो किसी दूसरी लड़की से। वो दूसरी लड़की कौन है आप जानती हैं? मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर हाँ, इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने विक्की को पिक्चर बने तो ऐसी के सेट पे आते जाते देखा था। तो आपको शक है कि वो लड़की उस फिल्म से जुड़ी हुई है? जी, लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने विक्की को नहीं मारा है। जब मैं कॉरिडोर से निकली तो विक्की जिंदा था सर। और क्या सर? जब मैं कॉरिडोर से बाहर निकल रही थी तो मैंने एक आदमी को अंदर आते हुए देखा था। कौन था वो आदमी? सर, मैं उसे नहीं जानती, पर अजीब सा लग रहा था, गुंडे जैसा दिख रहा था। गुंडे जैसा? आपको उसका हुलिया तो अच्छी तरीके से याद है ना? हाँ सर। निखिल, उस आदमी का स्केच बनवा लो। एक्सक्यूज मी सर, 12 बजे की बात खुलेगा। पता है, हम यहाँ पे फिल्म स्टार मुकुल के बेटे विक्की की मौत के सिलसिले में कुछ पूछताछ करने आए हैं। हाँ सर, देखा मैंने टीवी पर, बहुत बुरा हुआ।
मिस्टर विक्की इसी पब में पीने आते थे ना? हाँ सर, लेकिन आप लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग कौन हैं? सीआईडी। सीआईडी? और वो यहाँ पे अपने एक दोस्त के साथ पीने आते थे। हाँ सर, वो अभी भी यहीं। अभी भी यहीं पे? हाँ सर। कहाँ है वो? वो रहा सर, उसका नाम रॉनी है सर। विक्की की मौत के गम में रात भर पीते रहा, घर जाने की हालत में नहीं था, यही सो गया। अच्छा, चलो जगा इसको जरा। ए उठ, उठ। ए उठ जा, उठ। विक्की, विक्की मेरे दोस्त। ए मैं विक्की दिखता हूँ तुझे? मैं फ्रेडी हूँ, फ्रेडी, इंस्पेक्टर फ्रेडी फ्रॉम सीआईडी। सीआईडी? हाँ। ये बता, विक्की के ड्रग लेने की आदत के बारे में तुम्हें मालूम था ना? जी सर, मैं जानता था। लगी कैसे उसे ये ड्रग्स लेने की गंदी आदत? लगी नहीं थी सर, लगवाई गई थी। लगाई थी? किसने, कब? सर 2 महीने पहले की बात है। इन दिनों विक्की बहुत परेशान रहता था, उसी वक्त तेरा नाम के एक आदमी ने उसे ड्रग्स लेने की सलाह दी। दरअसल सर जबरदस्ती ही की थी। करीब 2 हफ्ते तक वो उसे मुफ्त में ड्रग्स देता रहा, और जब उसको पता चल गया कि विक्की को ड्रग्स लेने की लत लग गई है, तो ड्रग्स के बदले में पैसे मांगने लगा। और विक्की ये पैसे अपने पिताजी से और अपनी गर्लफ्रेंड से भीख मांग के लाता था, है ना? नहीं सर, हम लोगों से मांगता था। और तुम पैसे देते थे, ड्रग्स के लिए उसकी मदद कर रहे थे, कैसे दोस्त हो तुम? सर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है सर। बहुत जल्दी एहसास हो गया तुम्हें। सर वो हर बार आखिरी बार कहकर मुझसे पैसे निकलवा लेता था, मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती थी। आप तो जानते हैं सर, ड्रग्स लेने वालों का क्या हाल होता है। पर सर, एक बार मैंने उसे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, तब उसने तेजा से उधारी पर ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। उधारी में ड्रग्स लेता था? जी सर, पर वो तेजा को पैसे नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसने मेरे सामने विक्की के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। अच्छा, ये कब की बात है? 1 हफ्ते पहले की। जरा देखो ये तेजा। हाँ सर, यही तेजा है। अच्छा, इसका मतलब पूनम ने कॉरिडोर में जिस आदमी को देखा, तेजा ही था। सर कहीं इस तेजा नहीं तो? लग तो ऐसा ही रहा है। क्या हो रहा है, बातें सुनने का बहुत शौक है तुम्हें? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ। तेजा को जानता है? कौन तेजा? कौन तेजा? जिसका नाम सुना तूने, जिसके बारे में बात हो रही है अभी। सर मैं किसी तेजा वेजा को नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। ये भी कोई नाम हुआ तेजा? चुपचाप बता दे, वरना वो हाल होगा तेरा कि तू अपना नाम भी भूल जाएगा। बता दूं सर। कहाँ रहते? बड़ी मुश्किल है सर, किसी भी दरवाजे पे खोली नंबर नहीं लिखा है। यार चौल में ऐसा ही होता है भाई। सर किसी से पूछ लें क्या कि खोली नंबर 7 कहाँ पर है? पूछ लेते हैं। सुनो भाई, ये खोली नंबर 7 कहाँ पे है? वो पहले वाले पे ना, वो कोने वाली खोली साहब। वो? हाँ वो वाली। इसका मतलब वो अभी अभी यहीं था। पकड़ो उसे। चारों तरफ देखो, है? खबर सुनी वो सनसनी खेज खबर? अरे भाई अपनी फिल्म इंडस्ट्री में तो रोज का है, कभी किसका लफड़ा, कभी किसका झगड़ा, रोज नई खबर। हाँ वो तो है, लेकिन मैं खून की खबर की बात कर रहा हूँ। खून की खबर? किसका खून? अरे विक्की का खून। ये विक्की कौन है भाई? अरे विक्की कौन? वो अपना सुपरस्टार मुकुल, उसका बड़ा बेटा यार विक्की। अरे विक्की, अरे बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। हाँ यार बुरा तो बहुत हुआ यार।
अच्छा एक बात बता मेरे को, वैसे वो एक्टर कैसा था विकी? देख भाई, बोलना तो चाहिए नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बाप सुपरस्टार हो तो बेटा भी सुपरस्टार बन जाए, समझे ना? नहीं, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि यहाँ पिक्चर बने तो ऐसी के सेट पे एक अभिनेत्री है जो विकी के काफी करीब आने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि स्टाइल मारो स्टाइल से मैं उसको हीरोइन साइन कर ले। बस क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों, हाँ? सेट पर काम करने के लिए आते हो या लोगों का नाम खराब करने के लिए? इस तरीके की फालतू बकवास ना बंद करो। एक कामयाब अभिनेत्री की पहचान उसकी मेहनत और हुनर से होती है, इसलिए तुम लोग ये अफवाहें फैलाना बंद करो। तुम जैसे लोगों की वजह से ना इंडस्ट्री का नाम खराब हो रखा है। माफ कीजिए, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रही? कहीं वो अभिनेत्री आप ही तो नहीं? जबान संभाल कर अपनी हद में रहकर बात करो, वरना तुम दोनों को ना प्रोडक्शन मैनेजर को बोलकर दोनों को इस सेट से ना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। अरे नहीं 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 मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हम CID से। CID? मैडम आप ये बताने की मेहरबानी करेंगी कि विकी का जब खून हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? आप लोग ये मुझसे क्यों पूछ रहे? कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि विकी को मैंने मारा है? इसका मतलब आप वही अभिनेत्री है? हाँ। देखिए हम सिर्फ तहकीकात कर रहे हैं। देखिए मैं विकी को क्यों मारूंगी, मुझे विकी से जो मतलब ये सच है कि तुमने विक्की से दोस्ती इसलिए की ताकि वो अपनी पहली फिल्म स्टाइल मारो स्टाइल से मैं तुम्हें अपनी हीरोइन बना ले। हाँ। मतलब विकी का खून होने से पहले तक आप दोनों में दोस्ती थी? जी हाँ, वैसे तो मैं विक्की से अपने सारे रिश्ते तोड़ देना चाहती थी, मगर विकी कुछ दिनों से बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था मतलब? उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। ट्रेनिंग के दौरान भी उसका संजय सर के साथ झगड़ा हो गया और संजय सर ने फिल्म डायरेक्ट करने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? विकी के पिताजी, उन्होंने किसी तरीके से बात को संभाल लिया और संजय सर मान गए, मगर मगर क्या? संजय सर ये बात जान चुके थे कि 70% फिल्म खत्म होने के बाद विकी उनको निकाल कर खुद फिल्म डायरेक्ट करना चाहता था, इसीलिए शायद संजय सर। ओह, तो ये बात है, संजय से मिलते हैं। तेजा। हाँ बोल। विक्की को जानते हो? कौन विक्की? कौन विक्की? उसका खून कर दिया और पूछ रहा है कौन विक्की? छोड़ मुझे, नहीं तो यही काट दूंगा तुझे। मुझे गाड़ेगा? छोड़ दो मुझे। अब बोल, विक्की का खून क्यों किया तुमने? मैंने विक्की का खून नहीं किया। नहीं किया? तूने उसे मारा पीटा ना? हाँ मैंने उसे मारा पीटा था, पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। हाँ, वो इसलिए कि वो मेरे 2,00,000 रुपए वापस नहीं कर रहा था। और जब उसने तुझे पैसे वापस नहीं किए तब तूने उसे मार दिया? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने उसे 2,00,000 के ड्रग्स उधार दिए थे, पर उसने मेरे 2,00,000 रुपए वापस कर दिए थे, भला फिर मैं उसे क्यों मारूंगा? 2,00,000 रुपए वापस कर दिए थे? जी सर। सर, ये रॉनी ने जब विक्की को पैसे देने से मना किया था तो विक्की के पास ये 2,00,000 रुपए आए कहाँ से इसे लौटाने के लिए? ये बात तो है। पैसे कहाँ हैं? पैसे मेरे घर में कबर्ड में। कबर्ड में? जी, उन बंडल्स पे बैंक की मोहर भी लगी हुई है। बैंक की मोहर लगी हुई है, फिर तो हम लोग पता कर सकते हैं विक्की के पास ये पैसे आए कहाँ से। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आपको किसने बताया कि ये फिल्म 70% कंप्लीट होने के बाद विकी आपको फिल्म से निकालकर खुद निर्देशक बन जाएगा? तो आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है? हाँ सब कुछ। तो क्या इसीलिए तुमने विकी का खून कर दिया? नहीं, देखिए मैं मानता हूं कि मुझे विकी के प्लान के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मैंने विकी का खून नहीं किया है। अगर मुझे विकी से बदला लेना होता तो मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते थे, मैं एसोसिएशन जाकर आवाज उठा सकता था। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से और कौन है जो विक्की का खून कर सकता है? छोटा मुंह और बड़ी बात। वैसे विक्की और अभिषेक के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। कुछ ठीक नहीं चल रहा था मतलब? ऑफिसर, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि विक्की मुकुल जी की पहली पत्नी का बेटा था और अभिषेक उनकी दूसरी पत्नी का। मतलब वो दोनों सगे भाई नहीं है? नहीं। अच्छा, ये मुकुल जी की पहली पत्नी, क्या वो जिंदा है? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक। एक बात समझ में नहीं आई सर, मुकुल जी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने उनसे ये सब बातें नहीं बताई, क्यों? मैं अभी यही सोच रहा हूँ विनीत,
मुकुल जी के घर जाके पता चलेगा। सर। हाँ निखिल, क्या पता चला इस लेना बैंक से? सर, बैंक से पता चला कि विक्की ने जिस अकाउंट से पैसे निकाले थे वो अकाउंट पूनम का ही था। अकाउंट पूनम का था? हाँ सर। पूनम ने खुद विक्की को ड्रग्स के लिए 2 लाख रुपए दिए। मगर सर, पूनम ने तो हमसे कहा था कि वो विक्की से रिश्ता तोड़ना चाहती थी, तो फिर उसने विक्की को ड्रग्स का कर्जा चुकाने के लिए पैसे क्यों दिए? रेडी, इसे कहते हैं कहानी में ट्विस्ट। पूनम ने हमें दिव्या के बारे में बताया, तेजा के बारे में भी बताया, मगर इस 2 लाख रुपए के बारे में क्यों नहीं बताया? सर, पूनम ने ऐसा किया क्यों होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे और भी कुछ छुपा रही हो? अब ये तो पूनम ही बताएगी। इस पूनम को ब्यूरो बुलाओ। चलो देखते। इस वक्त कौन है? आप लोग? मुकुल जी घर में है क्या? पापा, पापा तो किसी जरूरी काम से बाहर गए। कोई बात नहीं, फिलहाल हम तुमसे ही मिल लेते हैं। जी, आप कुछ पूछने आए या फिर? सीआईडी कभी भी और कहीं भी बिना वजह के नहीं आती। तो बताइए, आपके आने की क्या वजह है? अभिषेक, बहुत कुछ पता चला है तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? किसने बताया आपको ये बहुत कुछ मेरे बारे में? तुम्हारी फिल्म स्टाइल मारो स्टाइल से के डायरेक्टर संचित ने। ओ, संचित सर, तो क्या बताया उन्होंने मेरे बारे में? तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम और विक्की सगे भाई नहीं हो? ओ, तो संचित सर को ये बात पता थी। सर, ऐसा कोई मुद्दा उठा ही नहीं जिस पे बात छेड़ी जाए, और वैसे भी ये बात ऐसी तो है नहीं जो बैनर लगाकर घुमा जाए, और ना ही ऐसी है जो किसी को समझाई जाए। वैसे संचित ने हमें एक बात और बताई कि आप और विक्की के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था, क्या ये बात सच है? हम दोनों के बीच में अनबन जरूर थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे बेहतर एक्टर है और सौतेला भाई। और दूसरा ये कि जैसा कि आप जानते हैं, पूनम मुझसे नहीं विक्की से प्यार करती है, लेकिन फिर भी मैं इस बात पर अटल रहूंगा सब कि मैंने विक्की का खून नहीं किया है। अच्छा अभिषेक, तुम ये बता सकते हो कि विक्की की मौत के बावजूद तुम्हारे डैड मुकुल जी को ये फिल्म स्टाइल मारो स्टाइल से खत्म करने की इतनी जल्दी है, क्यों? वो एक्चुअली सब डैड ने मार्केट से बहुत सारा पैसा उठाया और फाइनेंसिस भी यही चाहते हैं कि फिल्म जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। कमाल है, तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है ना? एक आखिरी सवाल। जी पूछिए। विक्की की माँ की मौत कैसे हुई? वेल सब, गीता जी की मौत के बारे में तो डैड ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। क्या, गीता जी की मौत के बारे में उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जी नहीं सर। पूनम, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई थी कि अपने लेना बैंक वाले अकाउंट से तुमने विक्की को 2 लाख रुपए दिए थे? ये बात झूठ है सर, मैंने कोई 2 लाख रुपए नहीं दिए विक्की को। मैं क्यों देने लगी उसे 2 लाख रुपए? देखिए सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उस दूसरी लड़की के बारे में जानने के बाद मेरे मन में विक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। अब आप ही सोचिए सर, मैं क्यों दूंगी उसे 2 लाख रुपए? झूठ बोल रही हो तुम पूनम, झूठ। कल रात तुम वहाँ पार्टी में कॉरिडोर में से गुजरी नहीं थी, तुम वहाँ विक्की से मिली थी वो 2 लाख रुपए देने के लिए, क्यों? ये बात सच है या नहीं? सर, आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम इसी तरह झूठ बोलती रही ना पूनम, तो मजबूरन तुम्हारी खातिरदारी के लिए मुझे इंस्पेक्टर श्रेया को बुलाना पड़ेगा। बुलाओ, श्रेया को बुलाओ। सर, सर उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ। ये बात सच है कि कल रात को मैं विक्की से कॉरिडोर में मिली थी उसे वो 2 लाख रुपए देने के लिए। ये लो 2 लाख रुपए। इस तरह कब तक मुझे ब्लैकमेल करते रहोगे विक्की? जब तक तुम मुझे पैसे देती रहोगी तब तक। तुम इतना बदल गए हो, विश्वास नहीं होता है मुझे। कौन, मैं? हाँ तुम। पहले तुम मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया और फिर मेरे होते हुए उस दूसरी लड़की के साथ अफेयर किया तुमने। तुमने क्या किया? जो प्राइवेट फोटोज मेरे पास पड़े हैं। इनफ विक्की, वो फोटोग्राफ्स तब के हैं जब मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी, और कब तक उन फोटोग्राफ्स को लेकर इस तरह मुझे ब्लैकमेल करते रहोगे तुम? कब तक? कहाँ है वो फोटोग्राफ्स? मुझे वो फोटोग्राफ्स अभी चाहिए। देखो विक्की, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ विक्की, प्लीज। बस बस, तुम घर जाओ, कल सुबह तक वो फोटोज मैं पहुँचा दूंगा। अगर कल सुबह तक वो फोटोग्राफ्स मुझे नहीं मिले ना विक्की, तो मैं हाँ मैं पहुँचा दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं विक्की की मौत पे हंसूं या रोऊं। अच्छा, तुमने विक्की को इससे पहले भी पैसे दिए थे या ये पहली बार था?
पहले वो मुझसे छोटी मोटी रकम लेता रहता था, पर इतनी बड़ी रकम मैंने उसे पहली बार दी थी। और हाँ सर, कुछ दिन पहले उसका फोन भी आया था मुझे। फोन किया था? जी सर, उसने मुझसे कहा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और वो चाहता था कि मैं उसे वहाँ जाकर पिकअप करूँ और उसे मलार के किसी घर में छोड़ दूँ। वो ये क्यों चाहता था कि तुम उसे पिक करके वहाँ घर पे छोड़ो? वो रिक्शा से भी जा सकता था। एग्जैक्टली सर, यही बात मैंने भी विकी से पूछी थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि उसे सिर्फ मुझ पर भरोसा है और वो चाहता है कि मैं उसे वहाँ छोड़ कर आऊँ। ये भी कोई बात हुई पूनम जी? जरूर इस बात के पीछे कोई और बात है। हाँ फ्रेडी, इस बात के पीछे जो भी राज है वो हमें इस मलाड वाले घर से ही पता चलेगा। सर, ये अभिषेक इसी बात पर टिका हुआ है कि उसने विकी का खून नहीं किया और उसके पिता मुकुल जी ने अपनी पहली पत्नी गीता की मौत के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। जो भी पता चलेगा इस घर से पता चलेगा। बस सर, यही है वो घर। यहाँ पे तुमने विकी को छोड़ा था? हाँ सर, यही है वो जगह जहाँ मैंने विकी को छोड़ा था। जगह तो काफी सुनसान है, यहाँ विकी क्या करने आया होगा? सर मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो देखते हैं, आइए आप हमारे साथ। जी सर। तो यहाँ पे शोक सभा चल रही है। भाई साहब, यहाँ पे किसी की मौत हो गई है क्या? मेरे पिताजी विक्रम जी का देहांत हो गया है। आपके पिताजी की मौत हो गई? जी, लेकिन आप लोग कौन हैं? अब हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, क्या करते थे आपके पिताजी? जी, वो पुलिस इंस्पेक्टर थे। पुलिस इंस्पेक्टर? जी, मगर वो पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हो गए थे सर। अच्छा, कैसे कैसे मौत हुई उनकी? कल रात को सर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे सर। कोई परेशानी थी क्या उनको? हाँ सर, किसी बात को लेकर परेशान जरूर थे। मैंने उन्हें पूछने की कोशिश भी की मगर उन्होंने कभी बताया नहीं कुछ। अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ पे कोई विक्की नाम का लड़का आया था क्या विक्रम जी से मिलने? विक्की? नहीं सर, नाम से तो नहीं जानता, मगर दो दिन पहले एक लड़का जरूर मिलने आया था उनसे। शायद सर वही विक्की होगा। क्या क्या बात कर रहे थे, आपको कुछ मालूम है? ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, शायद किसी आर्काइव्स की बात कर रहे थे। आर्काइव? ओके, थैंक यू। सर, विक्की को एक रिटायर पुलिस इंस्पेक्टर से क्या काम हो सकता है? कुछ तो होगा, इसका पता हमें आर्काइव से चलेगा। तो मिस्टर विक्रम यहाँ पे आए थे? जी हाँ, आए थे यहाँ। किस सिलसिले में आए थे? वो एक फाइल देखने आए थे। कौन सी फाइल देखने आए थे? वो 25 साल पहले हुए गीता मर्डर केस की फाइल देखने आए थे। गीता मर्डर केस? और उस केस की तहकीकात भी विक्रम जी ही कर रहे थे। एक बात बताइए, विक्रम जी जब यहाँ पे आए थे तो अकेले आए थे या उनके साथ में कोई और भी? वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ दो नौजवान लड़के भी थे साथ में। जरा ये फोटो देखिए, क्या ये लड़के थे? हाँ सर, उनमें से ये लड़का था। और ये वाला? नहीं सर, ये नहीं था। ये नहीं था? जी नहीं सर। तो फिर विक्रम जी के साथ वो दूसरा लड़का कौन था? चलिए सर, कम से कम फाइल तो मिल गई। हाँ, और इस फाइल में लिखा है कि 23 दिसंबर 1987 की रात को गीता जी का खून एक चोर ने किया जो उनके घर में घुसाया था। गीता जी ने उस चोर को रोकने की कोशिश की मगर उस चोर ने उन पर हमला किया और उसी वक्त गीता जी की मौत हो गई। मतलब गीता जी का खून हुआ था? उस चोर का नाम राजीव कुमार है, उस पर मुकदमा चला पर गवाह या सबूत ना मिलने की वजह से कोर्ट ने उसे छोड़ दिया और अंत तक इस गीता जी के खून में किसी को भी सजा नहीं हुई। और इसमें यह भी लिखा है कि जिस बंदूक से गीता जी का खून हुआ वो देसी कट्टा था जो आज तक नहीं मिला। ये विक्की की लाश के पास से भी तो हमें देसी कट्टा ही मिला था ना? हाँ, और देसी कट्टे का कोई रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं, तो हो सकता है जिस आदमी ने गीता जी का खून किया था 25 साल पहले उसने उसी कट्टे से विकी का भी खून कर दिया। मगर ये राजू तो छूट चुका था ना, तो फिर उसे
विक्की को मारने की क्या जरूरत थी, वो भी 25 साल बाद। ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही है, कहीं राजीव कुमार कोई सरफिरा इंसान तो नहीं था? सर राजीव कुमार का फोटो तो होना चाहिए इस फाइल में। होना तो चाहिए। ये क्या, राजीव कुमार की फोटो इस फाइल में नहीं? ये देखो फोटो का कोना तो खाली है। अब इस राजीव कुमार को हम पकड़ेंगे कैसे? मुझे लगता है वो फोटो इस फाइल में से विक्की ने निकाली होगी जब वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर विक्रम के साथ आर्काइव गया था ये फाइल देखने के लिए। मगर सर विक्की को 25 साल के बाद अपनी मरी हुई माँ के केस में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी, और उसने इस राजीव कुमार का फोटो क्यों गायब किया होगा? अब ये तो विक्की बता सकता था या फिर वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर विक्रम, पर अफसोस उन दोनों की मौत हो गई और ये राज उनके साथ ही दफन हो गए। सर ये भी तो हो सकता है कि विक्की का खून होने से पहले विक्की ने इस फोटो को कहीं छिपा दिया। हो सकता है विक्की ने ये फोटो अपने घर पे छुपाई। सचिन मुकुल के घर की तलाशी लो। आप? जी हाँ हम मुकुल जी। अच्छा हुआ कि आपसे फिर से मुलाकात हो गई। देखिए आपने जितनी पूछताछ करनी थी कर ली, फिर से क्यों आए हैं? आपने वैसे अभिषेक को ये नहीं बताया कि गीता जी का खून हुआ था? What? गीता जी का खून हुआ था? जी हाँ, 25 साल पहले घर में चोरी होने के दौरान गीता जी का खून हुआ था। डैड आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? तो बेटा मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। डैड इसमें परेशानी की क्या बात है? और जो गीता जी का केस हैंडल कर रहे थे यानी कि इंस्पेक्टर विक्रम, विकी इंस्पेक्टर विक्रम और अपने साथ किसी और को लेकर आर्काइव्स डिपार्टमेंट गया था अपने माँ के केस की फाइल खोलने के लिए। वो वहां गया था? जी हाँ वहां गया था। वैसे मुकुल जी आप मुझे बता सकते हैं कि विकी को अपने माँ के केस में क्या दिलचस्पी थी, वो भी 25 सालों के बाद? इस बात पर रोशनी डालेंगे आप? क्यों, मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि विकी ऐसा क्यों करेगा। इतना ही नहीं, उस फाइल से एक फोटो भी गायब है जो शायद विकी ने यहीं इस घर में छिपा के रखा। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। विनीत तुम ऊपर देखो। यस सर। ये सब क्या हो रहा है? नहीं विकी वहां गया क्यों था? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आपको यहां कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना हमें अपना काम करने दीजिए। देखिए कुछ नहीं मिलेगा यहां पर। मैंने आपसे कहा ना प्लीज। क्या हुई? नहीं फोटो मिली? नहीं सर फोटो तो यहां भी नहीं। मैंने कहा था ना आपसे। फिर कहीं विक्की ने फोटो कहीं और तो नहीं छिपा रखी? सब शायद वो फोटो विकी ने रोनी को दियो। रोनी कौन? ये विकी का दोस्त ना। राइट सर। तब तो तुम्हारे पास उसका नंबर भी होगा। जी सर। सर नंबर लगाओ सर। सर अभिषेक नहीं मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि विकी ने तुम्हें क्या कोई फोटो दी थी संभाल के रखने के? ये बात है। अच्छा ठीक है तुम इस वक्त कहाँ हो? ठीक है हम लोग अभी पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? विनीत ये रोनी वही दूसरा लड़का है जो आर्काइव डिपार्टमेंट गया था। तो विक्की ने रोनी को ये बताया कि वो लोग वहां क्यों जा रहे थे? ये तो नहीं बताया लेकिन विक्की ने रोनी को एक एनवलप दिया था संभाल के रखने के लिए। रोनी से मिलना पड़ेगा अब। पर घर का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? गड़बड़ तो नहीं है? ओह माय गॉड रोनी। ए रोनी क्या हुआ तुम्हें? इसकी तो छाती में गोली लगी है। My God. सर, एक काम करो विनीत, एम्बुलेंस को फोन करो। देखो, रोनी, मैं कुछ नहीं होगा रोनी, आंखें बंद मत करो। सर, हाँ सर, इस रोनी से कुछ पता चला? नहीं सर। रोनी के यहाँ पहुंचने से पहले किसी ने रोनी को क्या? रोनी भी मारा गया? नहीं सर, रोनी पे किसी ने गोली तो चलाई थी लेकिन हम लोग सही वक्त पे पहुंच गए और उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बच तो जाएगा ना? हाँ सर।
विनीत हॉस्पिटल में ही। डॉक्टर का कहना है कि गोली दिल के काफी पास लगी, अगर दिल पे गोली लग जाती तो। क्या उसने बताया कि उस पर गोली किसने चलाई? नहीं फ्रेडी, वो इस हाल में नहीं है कि कुछ बता सके। अच्छा, उसके पास से ये राजीव कुमार की फोटो मिली? सर वो फोटो विकी ने संभाल के रखने के लिए दी थी उसे लिफाफे में, लेकिन मुझे लगता है कि जिसने रॉनी पे गोली चलाई वो आदमी को लिफाफा साथ लेके चला गया। अब क्या करें सर, इस राजू का पता कैसे लगा? बहुत जल्द पता चल जाएगा फ्रेडी, गीता मर्डर केस की फाइल हमने हाईकोर्ट से मंगवाई है। सर आलेखन, सर मैं हाईकोर्ट से गीता मर्डर केस फाइल की कॉपी लाया। इसी का तो इंतजार था, देखे तो ये राजीव कुमार दिखता कैसे। ये राजीव कुमार है? वाह। अरे सीआईडी, ये लोग यहां क्यों आए? सब पता चला मेरे भाई के खूनी के बारे में, बताइए कौन है वो? खूनी का भी पता चल गया है और ये भी पता चल गया है कि वो कहाँ है। खूनी इस वक्त यहीं इसी सेट पे मौजूद है। इसी सेट पर? जी हाँ, और खूनी ने एक नहीं दो दो खून किए हैं। दो खून? जी हाँ दो खून, और उस हत्यारे ने सिर्फ आपके बेटे विकी को ही नहीं मारा बल्कि आपकी पहली पत्नी गीता जी का भी खून किया उसने। What? जी हाँ मिस्टर मुकुल, जरा सोचिए कि 25 साल पहले जिस शख्स ने आपकी पत्नी की हत्या की थी उसकी उम्र करीब 30 साल थी, तो इस वक्त करीब 55 का होगा। राइट, 55 साल, तो मिस्टर राजू आपकी भी उम्र करीब 55 साल की होगी ना? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं विक्की को भला क्यों मारूंगा, और मैंने गीता जी को भी नहीं मारा है। आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है, कल तुमने रोनी को भी मारने की कोशिश की थी। रोनी? कौन रोनी? मैं किसी रोनी को नहीं जानता। लगता है सर दिमाग पे ज्यादा बोझ पड़ने से याददाश्त कमजोर हो गई है। कोई बात नहीं, हम मदद कर देते हैं। विनीत, मिस्टर राजू नहीं पहचाना आपने रोनी? तुमने तो राजू जी को पहचाना कि नहीं? हाँ सर, यही आए थे कल रात को मेरे घर पे, वो लिफाफा लेने के लिए जो विक्की ने मुझे दिया था संभाल कर रखने के लिए। ये मुकुल अंकल के मैनेजर हैं, इसीलिए मैंने इन पे भरोसा करके लिफाफा इन्हें दे दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? चुप रहो, बोले तो इसे, क्या हुआ था फिर? लिफाफा इन्होंने अपनी जेब में रख लिया और फिर जेब से पिस्तौल निकाली और उनसे गोली चलाई। ये इतनी देर से बकवास किए जा रहा है और आप लोग इसकी बकवास सुने जा रहे हैं, और इस बकवास की सजा ये अभिषेक भुगतेगा। पापा, इतना बड़ा धोखा, देखो अगर मेरे बेटे अभिषेक को कुछ भी हुआ। राजू, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बाप के किए की सजा बेटा भुगतेगा। अरे बकवास मत करो तुम। इसमें कुंजी भी शामिल? हाँ, इसी ने मुझे पैसे दिए थे गीता को मारने के लिए, और इसी ने सारे सबूत मिटाए थे, मुझे बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए। अरे तुम्हें कहा था चुप रहने के लिए। मिस्टर मुकुल, आपका खेल खत्म हो गया। बोलो। मैंने गीता से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। विकी के पैदा होने के बाद हमारे झगड़े बढ़ गए, गीता ने मुझे तलाक देने की धमकी भी दी, मैं डर गया था। उस टाइम मैं सुपरस्टार मुकुल नहीं बल्कि एक आम आदमी था, मैं नहीं चाहता था कि वापस सड़कों की खाक चानू, इसलिए पैसों की लालच में आके मैंने इसे गीता को मारने के लिए पैसे दिए और एक गैर कानूनी तमंचा भी दिया ताकि पुलिस रिकॉर्ड्स में उस हथियार का कोई रिकॉर्ड ना मिले। और फिर प्लान के मुताबिक एक रात जब घर पर कोई नहीं था उसने अपना काम कर दिया। लेकिन इतने साल बाद तुमने इस राजीव को नौकरी पे क्यों रखा? जब मैं बड़ा फिल्म स्टार बना तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, आए दिन पैसे मांगने लगा। मैं डर गया था अगर ये अपना मुंह खोल देता तो मेरा बना बनाया खेल खत्म हो जाता, इसलिए मैंने इसे अपने यहाँ बड़ी पगार पर मैनेजर की नौकरी दी और इसका नाम बदलकर राजू का नया नाम दिया। और विकी, वो तो तुम्हारा अपना खून था ना?
विक्की को मारने की तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब से विक्की ने अपने माँ के कातिल को ढूंढना शुरू किया, कब उसे राजू पे शक हुआ और फिर ये सब। इसका मतलब राजू, विक्की का खून तुमने किया है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों मारा तुमने विक्की को? इसकी याददाश्त कमजोर है। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ। दो महीना पहले गीता के खून के बारे में तुमसे बातें करते हुए विक्की ने मुझे सुन लिया था, इसीलिए मुझे उसे। राजीव कुमार और राजू, तुम्हें गीता जी और विक्की के खून करने के जुर्म में, और मुकुल तुम्हें गीता जी के खून की साजिश रचने के जुर्म में शायद फांसी ही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।